क्योंकि व्हेन यू आर ऑन द सोशल साइड, अगर आपके प्रोज हैं तो आपके कॉन्स भी होते हैं, और कॉन्स फिर इसी तरह के होते हैं जो कि मैं गो थ्रू कर रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला। कहते हैं ना जो अकेले चल रहे थे उनके साथ अल्लाह ताला होता है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। इस चीज़ को नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा, इसको वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा कि इस तरह का फ्रॉड किसी के साथ ना हो, कोई किसी को स्कैम ना करे, आपका नाम डिफरेंट जगहों पर ले लेके आपको फंसाने की कोशिश ना करे, अपना सारा गंद आप पे डालने की कोशिश ना करे। बड़ा ही मज़े का कौन सा नान है, कौन सा कंदारी नान, मुझे लगा खानदानी नान। मैं कहना चाहती हूँ, और इतनी गर्मी भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड एज़ कम्पेयर टू भावलपुर। लाइक भावलपुर तो आप किसी उसमें ही ना लाओ ना, भावलपुर में तो बारिश ही नहीं होती। सो द बेस्ट पार्ट बींग इन इस्लामाबाद इन लास्ट 3 days वॉज रेन। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। आती हूँ मैं फिर से, अजान होने लग गई है, मतलब अजानें काफ़ी हो रही हैं माशाल्लाह से तब से। 12 seconds later वो जी वेलकम अगेन हो गया हमारा, अजानें हो गई हैं। और वो ये होता है ना कि जब एक अजान होती है और वैसे आउटडोर भी बैठे तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी माशाल्लाह से शुरू हो जाती है। तो एनी वेज राइट नाउ आज मैंने सोचा था कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ ब्लॉग, बट स्टिल आई एम हेयर विद यू गाइज। एक तो मैं बहुत ऐसी खूबसूरत जगह पे आ गई हूँ खाना खाने के लिए, जो कि बड़ी अट्रैक्टिव है, जो कि बड़ी देसी है, जो कि बहुत एक्स्ट्रा देसी है मेरे लाहौरियों के लिए भी, और वो भी है भी इस्लामाबाद में। तो नाम है उसका द लॉस्ट ट्राइब। अभी मैं लॉस्ट ट्राइब के आउटडोर फिफ्थ फ्लोर एक्चुअली, और बाकी बीच वाली सारी बिल्डिंग्स खाली हैं, फिफ्थ फ्लोर पे बना है, और इंडोर भी इनका इट्स वेरी नाइस, और आउटडोर भी इट्स वेरी नाइस एंड फैमिली ओरिएंटेड। और बैठी थी, एक मसले से रिलेटेड डिस्कशन भी हो रही थी, अभी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि एक चीज़ ओवरकम आप कह लो कि हो ही जाती है, कहते हैं ना बुरा टाइम इंसान का एक टाइम जैसा नहीं रहता, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो मेरे से छोटे जूनियर्स, बहन भाई, लड़का लड़की, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ओवर हेयर, कि अगर मुझसे कोई गलती है और मैंने आप अपनी गलती से कुछ सीखा है तो मुझे ये होता है कि मैं सिखा दूँ अपने से छोटे को, बड़े को, किसी को भी, बिकॉज एंड लाइफ तक ना वी आर गोइंग टू बी इन अ लर्निंग प्रोसेस। हम कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं, और सीखना चाहिए और उसके अंदर शर्म नहीं करनी चाहिए। तो एनी वेज पहले मैं सोच रही थी कि दैट इज़ पे मैं वोकल हूँ कि ना हो, लेकिन आई फील लाइक कि अभी होना चाहिए, क्योंकि मैं दोपहर को ताबिश हाशमी का एक शो देख रही थी एंड उस पर उसने वो सारा जो मेरे साथ हुआ था वो सारी चीज़ उसने बोल दी, और शायद आज मैंने अपनी स्टोरी वगैरह पे भी लगाई है कि दैट क्योंकि जब आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो लड़कियों को स्पेशली ज़्यादा, कि दैट यू गेट अ लॉट ऑफ DMs। अब मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है इन दिनों, आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग, माजरत पहले इस चीज़ के लिए, आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द DMs किसी भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आए इधर वर्क रिलेटेड, क्योंकि थोड़ा सा आप अपनी गलती के बाद कॉन्शियस हो जाते हो, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ हुई, और इसी तरह से एक बंदे ने जो है फुल फ्रॉड कर दिया, और शूट के सिलसिले में हमारी बात स्टार्ट हुई, और वो बात स्टार्ट होते होते फिर इन्वेस्टमेंट में चली गई। मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का नहीं है, मेरा मान का है, वो आपको सदका है तो वो सदका दे दिया, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि दैट एक तो मेरे कहने, कोई आपको कहे कि कंजा के कहने पे जी या कंजा का रेफरेंस दे के, एक तो आप उसको पैसे ना दें, क्योंकि मैं आपसे मिली हूँ, मैं आपसे नहीं मिली। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका फैमिली मेम्बर भी आपसे कोई पैसे मांग रहा हो तो आप उसको वीडियो कॉल पे लेके आओ भाई, उसके वॉइस नोट पे भी ना आप जाओ, क्योंकि अब तो वॉइसेस भी जो है ना वो चेंज कर दी जाती हैं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से किसी से मिली नहीं हूँ, लड़का हो गया लड़की हो गई, मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो कैसे कोई दूसरा बंदा आपको मेरा रेफरेंस दे के आप उसको पैसे दे रहे हो भाई, क्यों, इट्स रॉन्ग ना। और फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसको पैसे दे दिए हैं और फिर वो आपको कह रहा है कि मैंने वो पैसे कंजा को दे दिए, ओ माई गॉड, कंजा यहाँ पे अपनी दुनिया में मस्त है, कंजा अपने कामों में है, कंजा को कोई होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो दिस इज़ रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो बंदा भी देख रहा है, अल्लाह ताला आपको नेकी की हदायत दे, बिकॉज आई ट्रस्टेड एंड यू जस्ट लाइक बिट्रेड मी, और करेक्टर असेसिनेशन हो गई ना एक तरह की मेरी, मतलब मेरे वहमो गुमान में भी एक चीज़ नहीं और वो चीज़ किसी ने आके हिट कर दी इस तरह से, तो दिस इज़ वेरी बैड। फिर मेरे फॉलोअर्स को जो मुझे प्यार करते हैं उनको भी, जो मुझसे नफरत करते हैं बिला वजह उनको भी, आप सबके लिए दिस इज़ अ मैसेज के दैट मेरे रेफरेंस से कोई आपको पिक्चर दिखा रहा हो, कोई वीडियो दिखा रहा हो, प्लीज़
जब तक आप मुझसे बात ना कर ले, आपका मेरे से कोई कॉन्टैक्ट ना हो, तो आप इस तरह से किसी को भी जो है वो पैसे ना दें प्लीज़। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मिस एट ऑल। तो मैं ये चीज़ नोटिफाई करना चाहती हूँ अपने एवरी प्लेटफॉर्म पे, तो ब्लॉगिंग इज़ माई प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली आई एल पुट अ थिंग ओवर हेयर टू ना। और इसके साथ साथ अभी आई वॉज थिंकिंग दैट आई मेक रील्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक वाली साइट पे भी, इवन क्योंकि मेरे साथ हुए तो किसी और के साथ भी हो सकता है, और मैं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ना हो। अभी वो नीलम मुनीर जो हमारी एक्ट्रेस है, तो उसके साथ भी यही चीज़ हुई है, एंड शी वॉज ऑल्सो नोटिफाइंग इन द वो अपना शो में भी। तो तब आई वॉज लाइक यार दिस इज़ वेरी कॉमन, और मेरे साथ काफ़ी अनयूजल था। एंड दैट गाय हु एक्चुअली स्कैम्ड मी, हु एक्चुअली डिड फ्रॉड विद मी, एंड ही वॉज लाइक कंजा यू आर सो इनोसेंट कंजा, और तुम बस सब पे भरोसा कर लेते हो, तुम किसी पे भरोसा मत किया करो। एंड एक्चुअली ही वॉज द वन, ही वॉज द स्नेक। एंड कहते हैं ना कि दैट नेवर री फैमिली और री फ्रेंड दैट पर्सन जो आपका करेक्टर असैसिनेशन कर दे, मतलब आपको गलत तरीके से किसी ऐसी जगह पर पोर्ट्रे कर दे जैसे कि आप हो नहीं, और उसको बंदे को पता ही नहीं। तो दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ अ वेरी बैड एक्ट। तो आप लोग भी बचें इस चीज़ से, और मैंने तो डेफिनेटली इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया थ्रू लीगल एक्शंस, बिकॉज डेफिनेटली ऐसी चीज़ को आपने रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको आके मैं यहाँ बैठी हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लॉस्ट टाइप पे लॉस्ट बैठी हूँ जिस टाइम, और एक बंदा आके कहे डॉक्टर गंजा आपने तो मेरे 3 करोड़ देने, भाई आपने मुझे दिए थे, आपके पास कोई प्रूफ है डट मैंने आपके 3 करोड़ लिए हैं, मैं आपको नहीं जानती। तो दिस वॉज अ थिंग विच आई नीडेड टू रिपोर्ट, और मैंने की भी है थ्रू द लीगल एक्शंस। तो बस मैं ये चीज़ नोटिफाई करना चाहती थी कि आगे अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे मेरा नाम देखे तो सॉरी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। आप लोग भी इस चीज़ से बचें, DMs को ना रिप्लाई किया करें प्लीज़ 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 ना ही रिप्लाई किया करें, क्योंकि वेन यू आर ऑन द सोशल साइड अगर आपके प्रोज हैं तो आपके कॉन्स भी होते हैं, और कॉन्स फिर इसी तरह के होते हैं जो कि मैं गो थ्रू कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला, कहते हैं ना जो अकेले चल रहे होते हैं उनके साथ अल्लाह ताला होता है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, और अल्लाह ताला उस इंसान को भी नेकी की हदायत दे और कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया मैंने, लेकिन दिस भाषण वॉज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई लव यू गाइज, यू गिव लव टू मी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों के मैं जितनी भी कोई भी नॉलेज किसी भी तरीके से दे सकूँ तो आप लोगों को दे सकूँ। तो एज अ सिटीज़न और एज अ ह्यूमन बींग और एज अ डॉक्टर, मतलब आई एम अ वेरी काइंड सोल, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए इंसान को, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए लोगों पर, बट मैं कुछ कह नहीं सकती, बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह वो तो इंशाल्लाह हो जाएगा मसला सॉर्ट आउट। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा, इसको वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा कि इस तरह का फ्रॉड किसी के साथ ना हो, कोई किसी को स्कैम ना करे, आपका नाम डिफरेंट जगहों पे ले लेके आपको फंसाने की कोशिश ना करे, अपना सारा गंद आप पे डालने की कोशिश ना करे। तो बस ये चीज़ है, खाना मंगवाया लॉस्ट ट्राइप पे, बहुत ज़्यादा देसी फूड है यहाँ के ऊपर, मतलब दम पुख्त लैम मटन, आपकी बहन ये चीज़ें नहीं खाती, बट स्टिल आई हैव लाइक पिक्ड टू थिंग्स, वो आती हैं तो आपको दिखाते हैं, वे खाना खाते हैं। और हमारा खाना आ गया इस टाइम जो हमने मंगवाया है, वैसे तो मैंने कोई लैम वगैरह नहीं मंगवाया, मैंने चिकन शनवारी कढ़ाई मंगवाई है, और इनका नान मंगवाया है, सॉरी सुलेमानी सॉरी, मैं ना बस वो कर रही हूँ। और आपने ये भी बताना है कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, इस जगह की खाने में क्या स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ पे लैम नमकीन टिक्का है, अफगानी बीफ टिक्का है, शनवारी लैम कढ़ाई है, ठीक हो गया, रोश है, लैम कीमा है, चिप्स काबुली पुलाव है, रान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिद। राशिद, राशिद ने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो जी आप लॉस्ट ट्राइब पे आएँ और राशिद जो है वो आपको यहाँ पे सर्व करेगा ये सारी चीज़ें, डन हो गया। बाकी चीज़ें भी ले आए राशिद। अभी आ रही है मंजिल, अभी एक चीज़ आई है, हमने पुलाव भी मंगवाया है, काबुली पुलाव वो भी ले आए आप, और एक बड़ा ही मज़े का कौन सा नान है, कंदारी नान। कौन सा? कंदारी नान, मुझे लगा खानदानी नान। अच्छा जी, कंदारी नान भी, मतलब मैंने तो पहली दफ़ा वर्ड सुना है ये, तो वो आता है तो फिर वो आपको दिखाते हैं। लॉट ऑफ देसी स्टाफ जो है वो यहाँ पे है, आई एम नॉट एट ऑल अ लॉट ऑफ देसी वाली बंदी, बट स्टिल सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो डेफिनेटली दिस चिकन लुक्स अ लिटिल बिट ड्राई, बट चेक करके बताऊंगी कैसे। जी कंदारी नान इज हियर, ओह माय गॉड, दिस नान इज एक्चुअली गिविंग मी अ वाइब। सऊदीया वगैरह में भी कुछ ऐसे होता है ना, है ना, तो ये मैं पहली दफ़ा फ़िश नुमा नान खाने लगी हूँ, लाइक कंदारी नान, ओह माय गॉड। और अभी हमारा पुलाव भी आना है, और मुझसे आए जस्ट लाइक
I was like that I'm not gonna have any sweet from now onwards because I feel like that I have put on weight. But वहाँ नीचे लिखा हो तो गुड़ वाले चावल fuck this hell shit and gulab jamun with the rabdi something like that. मतलब मैं कैसे अपने आप को resist करूँगा because afterwards definitely I'll have a cup of tea. तो मैं देखूँगी यार उस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम करती हूँ. इनको कहूँ कि मुझे दो चम्मच ला दें आप गुड़ वाले चावल को जैसे करके देखते हैं. एक दफ़ा आपको मैं इस जगह का पूरा एक टूर करवा दूँ. फिफ्थ फ्लोर के ऊपर है ठीक है. मैं प्रमोशन करवा रही हूँ फ्री की नहीं ऐसी बात नहीं. इट्स जस्ट लाइक दैट आई लाइक दिस प्लेस तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि दैट यू गाइस कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस. फिफ्थ पे है इस टाइम. ये इसका नीचे का सीन है क्योंकि इतने टॉप पे हूँ मैं इस टाइम ना. मनाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. यहाँ पे लॉस्ट ड्राइव वालों का ही मनाल बन गया है. सारी नीचे पार्किंग ही पार्किंग है इस टाइम और मैं इस कोने में खड़ी हूँ. अच्छा दैट्स द रीज़न आई पिक्ड टू सेट आउटडोर क्योंकि मैं थोड़ा ये वाइब इन्जॉय करना चाहती हूँ और इतनी गर्मी भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट इन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद इज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड एज़ कम्पेयर टू भावलपुर. लाइक भावलपुर तो आप किसी उसमें ही ना लाओ ना. भावलपुर में तो बारिश ही नहीं होती. सो द बेस्ट पार्ट बींग इन इस्लामाबाद इन लास्ट थ्री डेज वॉज रेन. बारिश ओ माई गॉड दैट वॉज सो प्रिटी और बहुत ज़्यादा हैवी थी विच वॉज़ अ वेरी मतलब अट्रैक्टिव थिंग फॉर मी और प्लस गुड प्लेसेस ऑल्सो. फूड हो गया ब्रो फूड हो गया. अच्छा जी हमारी जो पहली वाली आई थी ना कढ़ाई दैट वॉज सो ड्राई और बींग अ वेरी वेज सा पर्सन मैंने उनको बोला था कि दैट अब ग्रेवी वाली करवाए हैं तो ये अब इतनी मज़े की लग रही है ना कि दैट आए जी मैं इसको जो है वो टेस्ट करती हूँ इस तंदारी नान के साथ. तंदारी नान हमारा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था थोड़ा सा हार्ड हो गया बट इसको अब हम टेस्ट करके जो है वो देखते हैं और बताते हैं. नजर आए A few inches later. अभी सीन ये है कि दैट मैंने अपनी कुछ चीज़ें ले ली हैं जो लेनी थी और बस नाउ आई वुड प्रॉब्ली हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी आई फील लाइक बिकॉज इट मेक्स मी फील लाइटर. नाउ डेज आई एम फीलिंग ब्लॉटेड आई डोंट नो. तो या दैट्स इट चीज़ें ले ली और फिर Plus, there is another big surprise which I have to give to my people. You guys are my people. तो अभी तक तो सिर्फ घर वालों को मैंने बताया है हल्का सा मम्मा पापा को स्पेसिफिकली. तो मोस्ट ऑफ माई सराउंडिंग्स माई सर्कल डोंट नो दिस थिंग जो कि मैं अपने अपकमिंग एक ब्लॉग में शायद बताऊँगी. अपकमिंग ब्लॉग ही उसी पर बना देंगे कि दैट वर्ड इज गोइंग टू बी दैट बिग सरप्राइज. सो मतलब मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल उनके लिए ना हो बट वैसे दिस इज़ अ न्यूज़ लाइक विच इज़ एक्चुअली अ न्यूज़ और वो थोड़ा सारा शिफ्ट हो जाएगा सब कुछ. बट फॉर दैट वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग्स.